गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कक्षा 9 का विषय हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। और आपका समय तो आप लोग को पता ही है कि आपका क्लास कब कब होता है, तो सप्ताह में 3 दिन होता है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और कब कब होता है, समय यही रहता है शाम को 8:30 से लेके 9:30 बजे तक। तो ये चीजें तो आप लोग को याद होगा। तो इस सप्ताह का पहला क्लास हुआ था मंगलवार को, आज हमारा दूसरा क्लास है गुरुवार को। तो चलिए समझते हैं। तो पिछली क्लास में जो चीजें आपने पढ़ा था उस पे आधारित एक प्रश्न मैंने दिया है, आपको पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन को हल करना है। चैट सेक्शन अभी आपका ऑफ है, आपको अभी पोल सेक्शन में जाना है सभी बच्चों को और इस क्वेश्चन को हल करके आंसर देना है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए क्या करना है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके कहाँ जाना है, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में जाना है, एक्टिविटीज इसके ऑप्शन बताने हैं। और एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको जो है एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लिख के आएगा रिकॉल, और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ABC, इसमें जो सही होगा उसको सही करके वोट का बटन दबा देंगे, ठीक है। तो सभी सर, बच्चे एकदम गलत जवाब है और ऐसे आंसर नहीं करना है माइक ऑन करके। आइंदा अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन करके आंसर किया तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी एकदम गलत जवाब है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप लोगों ने माइक ऑन करके जवाब दिया, ऑप्शन तीसरा सर, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। माइक ऑन नहीं करना है, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। आइंदा अगर फिर मैंने इनको बाहर कर दिया, अब अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन करके आंसर किया तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो माइक ऑन करके आंसर नहीं देना, इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है तो सिर्फ पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, स्क्रीन पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे जाइए और एक्टिविटीज के जाने के बाद एक्टिव पोल पे जाइए और वहां पे आपको रिकॉल नाम से एक पोल आया होगा जिसमें 4 विकल्प होगा, आपको उसमें सही आंसर को पिक करना है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करेगा तो मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, और आपके पास समय है 30 सेकेंड का, सभी बच्चे करेंगे। अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलिए चेक करेंगे। और 20 सेकेंड है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन कैसे आता है तो मैंने बता रखा है, 3 डॉट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको एक्टिविटीज पे जाना रहता है और एक्टिविटीज के बाद आपको एक्टिव पोल पे जाना होता है और एक्टिव पोल के बाद आपको रिकॉल में जाना होता है। रिकॉल में जो आंसर सही रहता है उन 4 विकल्पों को हम टिकआउट करते हैं और फिर वोट का बटन दबा देते हैं। तो और आपके पास 15 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे, सिर्फ 15 सेकेंड का समय है आपके। हेलो सर, माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जैसे ही पोल एंड होगा तो चैट सेक्शन ऑन कर दूंगा, उसके बाद आप लोग जो पूछना होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे माइक अभी ऑफ रखेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सनी नाम से जो बच्चे हैं माइक को म्यूट कीजिए। हेलो सर, सनी नाम से जो भी बच्चे हैं माइक म्यूट कीजिए। मैं बार बार, हेलो सर, मैं आपको बाहर कर दूंगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं सनी कुमार। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं,
ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत आंसर किया था, कैसे गलत आंसर किए थे चेक करते हैं। तो इसे ये जो है बोर्ड मार्क्स का नियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली क्लास में, इसीलिए मैंने रिकॉल में बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा प्रश्न, और मैंने सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या सिखाया था, सभी बच्चों को याद होगा क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे हल करते हैं, उसके बाद भागा को हल करते हैं, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ये बोर्ड मार्क्स का नियम मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कोष्टक वाले को यानी ब्रैकेट को हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं, बाकी चीज को उतार देंगे। तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 13 में से 9 गया तो 9 बचेगा। तो 9 × 15 भग्गा में 5 प्लस 3, तो ये कोष्टक का काम हो गया। अब हम भग्गा का करेंगे, तो देखिए बाकी सबको ऐसे उतार दीजिए। अब 15 में अगर 5 से गुणा करें भागा देंगे, 15 में 5 से गुणा भग्गा देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 3 से गुणा करेंगे, गुणा वाला काम होगा तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए या तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, नहीं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था। चलिए तो ये चीजें आपने समझ में आया। पहले हमने किसे सॉल्व किया? ब्रेकेट वाले को सॉल्व किया। ब्रेकेट वाला जब सॉल्व हो गया तो हमने भागा को सॉल्व किया, जब भागा सॉल्व हो गया तो हमने गुणा को हल किया, और गुणा जब खत्म हो गया तो जोड़ दिया। इस तरीके से हमारा सही आंसर आ गया। तो ये तो चीजें थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके सामने यहाँ पे मैंने 10-20 लिख दिया, 10 लिख दिया, 40 लिख दिया, 50 लिख दिया, 500 लिख दिया, 1000 लिख दिया, 20000 लिख दिया, या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए, 1057 लिख दिया, कोई भी संख्या ले लीजिए, 965 लिख दिया, कोई भी आपका मन चाहा कोई भी संख्या हो। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि हम किसी भी संख्या को कैसे पास आने कि वो संख्या किससे पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 16 है 16 में 8 से पूर्णता भाग लग जाता है। पूर्णता भाग लगने का मतलब होता है कि 8 से ये 16 जो है दो बार में पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 8 जो है 16 जो है 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि 16 डिविजिबल है 8 से। बात समझ में आया? यानी 16 किससे कट जाएगा? 8 से। तो ये कोई ना कोई तो रूल होगा ना, हमने तो 16 को देख लिया ऐसे भाग करके। अब यहाँ पे 1020 लिखा है, हम कैसे पता करेंगे कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम अगर ऐसे भागा देके देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या कब किससे पूरा पूरा भाग लगता है और कब पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगा, तो हम पढ़ेंगे 2 से लेके 11 तक के वो सभी रूल जिससे हमें पता चले कि कोई संख्या 2 से पूर्णता कब कटती है, फिर 3 से कोई संख्या पूर्णता कब कटती है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो पूरे 11 तक का रूल पढ़ेंगे हम, जिससे हमें पता चले कि कोई संख्या जो है 2 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 4 से कब कटती है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि विभाजकता के नियम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम वो सभी नियम या तरीके पढ़ने वाले हैं जिससे किसी भी संख्या को हम पहचान सके कि वो संख्या किस अंक से जो है डिविजिबल होगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं रूल। जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो अब समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल में पहला रूल आपका क्या कहता है, यानी 2 से विभाजकता का क्या नियम है। 2 से विभाजकता का क्या नियम है, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 से विभाज्यता का नियम जो कहता है वो यही कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे, अब आप कहेंगे ये इकाई स्थान क्या होता है, देखिए यहाँ पे 252 में जो 2 है ना वो इकाई स्थान है, यहाँ पे जो 8 है ना 628 में वो इकाई स्थान है, ये जो 0 है ना वो इकाई स्थान है, ये जो 4 है ना ये इकाई स्थान है, और ये जो 6 है ये इकाई स्थान है।
यानी इकाई स्थान का मतलब क्या हुआ कि अंतिम का पहला अंक, यानी किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे 1000 में 50 लिख दूं तो ये जीरो जो है क्या 1050 का अंतिम अंक है, और ये अंतिम अंक को ही हम कहते हैं इकाई अंक। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इकाई अंक क्या होता है। तो दो से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई स्थान का सीधा सा मतलब होता है कि अंतिम का जो अंक होगा, अंतिम का जो अंक होगा सिर्फ उसको चेक करेंगे, अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक पे यानी इकाई स्थान पे जीरो रहे, दो रहे, चार रहे, छह रहे और आठ रहे, तो वो सभी संख्या जो होगा दो से विभाजित हो जाएगा। यानी आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, 16 में क्या है 6 है, 24 में इकाई अंक पे क्या है 4 है, 50 में क्या है 0 है, 628 में क्या है 8 है, 252 में इकाई अंक क्या है 2 है। तो इस तरीके से जो रूल कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे तो वो सभी संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं लिखी गई है ये वही संख्या है जो कि लिखी गई है, यानी कि ये सभी की सभी संख्याएं जो है क्या है दो से विभाजित है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो मैं एक सवाल देता हूं, आपको उसका आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा 1050 जो है वो दो से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि 1050 जो है वो दो से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि जीरो हमने देखते ही पहचान गए कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे जीरो होगा, ये लिखा गया, अगर जीरो होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा दो से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बताइएगा, 1057 क्या दो से डिविजिबल है या नहीं है, अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से बताएंगे 1057 जो है दो से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है कि 1057 जो है दो से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एक रहेगा या तीन रहेगा या पांच रहेगा या सात रहेगा या नौ रहेगा, अगर ये संख्या इकाई अंक पे आता है, ये संख्या अगर इकाई अंक पे आता है तो वो संख्या दो से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सात है और सात रहेगा तो वो दो से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे क्या लिख दे, चार लिख दे तो वो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि चार इसमें है। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि दो चार जीरो, दो चार छ आठ, अगर ये संख्या इकाई अंक पे रहता है तो जितनी भी संख्याएं होंगी सब की सब दो से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि पूर्णता भाग लग जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में एक रहे, तीन रहे, पांच रहे, सात रहे और नौ रहे तो क्या दो से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो दो से विभाजित नहीं होगा, बातें समझ में आया। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है कि या तो हम ये देख लें कि किसी संख्या का अंत में जीरो, दो, चार, छह, आठ है कि नहीं है, अगर है तो वो दो से विभाजित होगा, अगर नहीं है, अगर वो संख्या जो विभाजित नहीं होगी दो से ना, उसके इकाई अंक पे 100% या तो एक होगा, या तो तीन होगा, या तो पांच होगा, या तो सात होगा, या तो नौ होगा। आप कोई एक ऐसी संख्या बताइए, आप लोगों को बताना है, आप कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो कि दो से विभाजित ना हो और इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए इकाई अंक पे, ऐसी कोई संख्या है? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि दो से विभाजित भी ना हो और उसके इकाई अंक पे एक, तीन, पांच, सात, नौ के अलावा कोई संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। यानी दो से विभाजित कब होगी, जब जीरो, दो, चार, छह, आठ अगर वो संख्या इकाई अंक पे आता है, यानी कि अंतिम पे आता है संख्या के, तो वो दो से विभाजित होगा। अगर इन पांचों संख्या के अलावा अगर ये पांच आ गया तो वो दो से विभाजित नहीं होगा। तो 17 में सात है नहीं, इकाई अंक पे सात है कि नहीं है, तो ये दो से विभाजित कहां है, नहीं है। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को दो से विभाजित होने वाली संख्याओं का पता है। चलिए तो अब मेरे सवाल का जवाब देंगे, एक क्वेश्चन है आपके सामने में लिखा हूं 1063, बताइए दो से विभाजित है कि नहीं, अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। 1063 अगर दो से विभाजित है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। चलिए तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पे तीन है और तीन जो है दो से विभाजित नहीं होता, यानी कि सही जवाब है। इसी तरह 1064 बताएंगे, ये दो से विभाजित है कि नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे 1064 दो से विभाजित है या नहीं है। 1064 जो है दो से विभाजित है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चार है और मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी संख्या के अंत में
अगर जीरो रहे, दो रहे, चार रहे, छह रहे, आठ रहे, तो संख्या दो से डिवाइड हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो डी टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए तो दो से तो भी विभाजित होने वाली संख्या को आपने समझ लिया, अब हम तीन से विभाजित होने वाली संख्या को समझते हैं। तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 57 है, 66 है, 204 है, 528 है, 69,354 है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये संख्या तीन से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? तो उसका रूल कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये 69,354 जो है, इसमें 6 एक अंक है, 9 एक अंक है, 3 भी एक अंक है, 5 भी एक अंक है और 4 भी एक अंक है, यानी कि ये जो संख्या बना है वो कितने अंकों से मिलके बना है? 5 अंकों से मिलके बना है। तो अगर हमें इस संख्या का ये चेक करना है कि ये तीन से पूर्णतः भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। किसका योग करेंगे? अंकों का योग करेंगे। इसमें कौन कौन सी संख्या है? कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर किसी भी बच्चे ने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी बच्चे को किसी भी कीमत पे माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है? तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग जो है तीन से विभाजित हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 6 + 9 + 3 + 5 + 4 कर दें, तो ये इन्हीं 5 अंकों से मिलके बना है और इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 और 9 15 15 3 18 18 5 23, 18 5 कितना होता है? 23, और 23 4 कितना हो गया? 27। अब आप बताइए 27 तीन से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर 27 तीन से डिविजिबल है तो ये 69,354 भी क्या हो जाएगा? तीन से डिविजिबल हो जाएगा। यानी तीन से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को जोड़ के देखेंगे कि उसके अंकों का योग जो आ रहा है क्या वो तीन से डिविजिबल है कि नहीं। इसी प्रकार 528 को चेक कीजिए तो 5 + 2 + 8 तो क्या हो जाएगा? 5 2 7, और 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, और 15 जो है तीन से डिविजिबल है, 3 5 15, तो ये भी जो संख्या है क्या हो जाएगी? तीन से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार यस सर हो जाएगी। 204 को चेक कीजिए, 2 + 0 + 4 तो बताइए इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 6, और 6 जो है तीन से डिविजिबल है। इसी प्रकार 66 को देखिए, तो 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12, और 12 जो है तीन से डिविजिबल है। इसी प्रकार 57 को चेक कीजिए, तो 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 12, और 12 जो है तीन से डिविजिबल है। यानी कि बोर्ड पे यानी स्क्रीन पे लिखी गई जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब तीन से विभाजित है, यानी डिविजिबल है। विभाजित क्यों है? क्योंकि सबके अंकों का योग जो है तीन से डिविजिबल है। तो रूल क्या कहता है याद रहेगा आप लोगों को, जैसे यहाँ पे देखिए ये 57, तो रूल क्या कहता है कि 57 को अगर हमें चेक करना है तो 5 और 7 जोड़ के देखेंगे 12, 6 और 6 जोड़ के देखेंगे 12, और 12 जो है तीन से डिविजिबल है। इसी प्रकार 204 को हमने 204 को चेक किया, 2 + 0 + 4 करके 6 आया जो कि तीन से डिविजिबल है। 528 को हमने चेक किया, 5 + 2 + 8 करके जो कि 15 आया, अब 15 भी तीन से डिविजिबल है। इसी प्रकार हमने 6936 को चेक किया जो कि कितना आया? 24 आया जो कि तीन से डिविजिबल है। आप सभी बच्चों को बात ही समझ में आ रही है? यस सर। परजात नाम से जो भी बच्चा है अगर आपने माइक ऑन करके अब बोला तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, जो कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। अब आप सोचिए 40 बच्चे अगर माइक ऑन करेंगे तो क्लास चल पाएगा? तो माइक ऑन नहीं करना है। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गया। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है, चेक करके बताना है, 2 मिनट का समय है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी बच्चों को चेक करके बताना है, ठीक है? कौन सी संख्या तीन से विभाजित होगी, आपको चेक करके बताना है। 5 ऑप्शन दे रहा हूं, 1 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, आपको चेक करके बताना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 357, 832, 1042, 393,
840। आपको बताना है कि इन पांच संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। समय मिलता है आपको पूरे 2 मिनट का, तो शांति से सभी बच्चे चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। तो 2 मिनट का समय है, आपको 5 ऑप्शन में से बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगी। चेक करने का वही तरीका है, जोड़ के देखेंगे, 3 से कटेगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। चेक करिए जल्दी से। हरिओम नाम से जो भी बच्चे हैं, इतना जल्दी आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पांचों को पहले चेक कीजिए। जरूरी है कि केवल डी होगा, कोई और भी संख्या हो सकता है, तो सभी बच्चे पूरा ईमानदारी से पहले चेक करेंगे। सभी बच्चे चेक करेंगे, ए और डी आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का ए और डी आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे पहले आंसर करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब, डी ए और डी आ रहा है, ए डी ई भी आ रहा है, ए डी ई भी आ रहा है, ए डी भी आ रहा है, माने ज्यादातर बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे, 3 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि हम इनको जोड़ के देखें, 3 + 5 + 7 बराबर कितना होता है, 5 × 3 = 8, 8 × 7 = 15। अब 15 तो 3 से डिविजिबल है, 3 × 5 = 15, यानी कि ए तो होगा ही होगा। अब देखिए नीचे वाले को चेक करते हैं, 8 + 3 + 2 तो कितना हो गया, 8 × 3 = 11, 11 × 2 = 13, और 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 13 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार सी को चेक कीजिए, 1 + 0 + 4 + 2 = कितना होगा, तो 1 और 4 5, 5 × 2 = 7, 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसी प्रकार इसको चेक कीजिए, 3 + 9 + 3 तो 9 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि डी भी होगा। अब लास्ट वाला चेक कीजिए, 8 + 4 + 0 = 8 × 4 = 12, तो कितना आ गया, 12, 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी और ई जो है 3 से विभाजित होगा। तो कितने बच्चों ने सही आंसर किया था, ए डी और ई, जिस भी बच्चे का तीनों ही आंसर सही था ए डी और ई, वो बच्चे वाई टाइप करेंगे, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कि कैसे हमने किया तो एन टाइप करेंगे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, सुल्तान नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। काफी नाम से जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए। सनी नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। जिस भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है, नहीं समझ में आया कहां पे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए सभी, हाँ पूछिए, संख्या समझ में नहीं आई। अच्छा, माइक ऑन रखिए, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, माइक ऑन रखिएगा, जो मैं पूछूंगा उसको जवाब दीजिएगा। 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। हाँ, 3, 5, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, 5, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 15। आप 15 के पहाड़ा जो है, 3 के पहाड़ा में 15 आता है कि नहीं आता है सर, नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 3 × 5 सर आता है, आता है, इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा, आता है, आता है। देखिए सुनील नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को माइक ऑन करने के लिए कहा वही बच्चा माइक ऑन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रूल बताया था कि जिस भी संख्या को चेक करना है उस संख्या को पहले ऐड कर देंगे उसके अंकों को, अंक आया है 15, अब हम चेक करेंगे कि क्या 15 3 से डिविजिबल है, तो है, तो है, ये पूरा संख्या 357 भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार 832 को चेक किए तो 13 आया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 1042 को चेक किए जो कि 7 आया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 393 को चेक किए जो कि 15 आया और ये 3 से डिविजिबल है, 840 को चेक किया जो कि 12 आया और 12 भी 3 से डिविजिबल है। सिर्फ यही 3 अंक संख्या जो है ना 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी कोई हो रहा है नो सर,
तो सभी बच्चों को अभी क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, माइक म्यूट कीजिए, बाकी बच्चे माइक म्यूट करेंगे, बाकी बच्चे कोई ऑन नहीं करेंगे। चलिए तो सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया। चलिए तो एक क्वेश्चन और करिएगा, चलिए एक क्वेश्चन और करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित मत कीजिए आप लोग, केवल ये कीजिए कौन सी संख्या। आप कोई भी बच्चा जल्दी आंसर नहीं करेगा, दो मिनट का क्वेश्चन है तो पूरे दो मिनट का समय लेना है। कौन सी संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित हो, ऑप्शन दे रहा हूं पांच ठो, ए बी सी डी ई और एफ। इस बार छह ऑप्शन दिया हूं, संख्या लिख रहा हूं 442, 888, 993, 520, 420, 840। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या जो है तीन से डिविजिबल है। दो मिनट का समय है, आराम से कीजिए, बहुत होता है दो मिनट, ठीक है। सभी बच्चे चेक करके ही आंसर बताएंगे और अपना पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन लिखेंगे कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ए बी ई होगा, तो अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद ऑप्शन लिखेंगे कि कौन कौन सा सही है। तो सभी बच्चे करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही आता है, तीन से डिविजिबल आपको चेक करना है जल्दी से, दो मिनट का समय है, सभी बच्चे करेंगे। छह ऑप्शन है, छह में से चेक करना है कौन कौन सी संख्या जो है तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। अजय नाम का आंसर आया है, अजय का बी सी ई एफ, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर बताएंगे इसमें से कौन कौन सी संख्या तीन से डिविजिबल है। बहुत अच्छा अजय, अभी चेक करेंगे, बाकी बच्चे भी करें जल्दी से। वंश नाम के बच्चे का भी आंसर आया है, बहुत अच्छा। पायल का आंसर आया है, बहुत अच्छा, बाकी बच्चे भी करें। पायल और वंश का और अजय का एकदम सही, सॉरी एकदम सेम आंसर है, बहुत अच्छा, बाकी बच्चे भी करेंगे। अंकित का आया है आंसर, ठीक है। रेणुका का भी आ गया आंसर, मोहित का आ गया। बाकी बच्चे अपना नाम नहीं लिखे तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, नाम लिखेंगे तभी बोल पाऊंगा आपका नाम। दीपिन का आया है, बहुत अच्छा। मुस्कान का भी आंसर आ गया, निकिता का भी आंसर आ गया, ज्योति का भी आ गया, नितिन का भी आ गया, जतिन का भी आ गया, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी लिखे, दीपिका का भी आ गया, देव का आ गया, काजल का आ गया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि किनका किनका आंसर सही है। प्रिया का भी आ गया, संजू का भी आ गया, चलिए चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो अंकों को जोड़ देंगे, 4 + 4 + 2 जोड़ने पे कितना आएगा, 4 4 8, 8 2 10, और 10 जो है क्या तीन से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, क्योंकि 3 3 9 होता है ना कि 10 होता है, तो ये भी तीन से डिविजिबल नहीं होगा। 888 को चेक करते हैं, 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 24 हो गया, और 24 तीन से डिविजिबल होता है, यानी कि एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन सही कीजिए, 9 + 9 + 3, अब बताइए 9 9 18, और 18 3 कितना हो गया, 21, और 21 जो है तीन से डिविजिबल होता है, यानी कि सी भी हो गया। अब देखिए 520 को चेक कीजिए, 5 + 2 + 0, तो 5 2 10, 10 जो है तीन से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, क्योंकि 3 3 9 होता है ना कि 10 होता है। नैन्सी ने आंसर किया है, बहुत अच्छा। पारस ने, तनु ने, अंशु ने, बहुत अच्छा। चलिए आगे चेक करते हैं 420 को, 4 + 2 + 2 = 7 क्या, अच्छा हाँ एक गलत हो गया, यहाँ पे 7 होगा ना जी, 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 5 2 7 होता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसी प्रकार 4 2 6 जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ई भी हो गया। अब देखिए लास्ट वाला चेक करते हैं, 8 + 4 + 0 बराबर कितना हो गया, 12, और 12 से 3 जो है डिविजिबल होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे आंसर अपना चेक करके, जिनका जिनका भी आंसर सही था, बी सी ई एफ जिनका भी सही आंसर था, जल्दी से वाई टाइप करेंगे, बाकी बच्चे एन टाइप करेंगे जिनका गलत था। माइक म्यूट करेंगे, काफी नाम से जो बच्चे हैं माइक म्यूट कीजिए, कोई नहीं रखेंगे। राहुल नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑफ रखिए। चलिए तो सभी बच्चों को क्लियर एक बार वाई टाइप कर दीजिए, तो सभी बच्चों को क्लियर एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे।
वाइट अप्रोच माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए अब आप माइक ऑन कीजिएगा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा। मैं प्यार से बार बार कह रहा हूँ कि माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है। अगर आपने माइक ऑन करके बोला तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। बताइए 40 बच्चे अगर बोलना शुरू करेंगे एक साथ, क्या क्लास हो पाएगी? तो माइक ऑन करके नहीं बोलना है। चलिए तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो आपने अभी अभी क्या क्या सीख लिया कि दो से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है, तीन से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है, ये आपने अभी सीख लिया। हरिओम नाम से जो बच्चे हैं और सनी नाम से जो बच्चे हैं, अगर आपने अनावश्यक दोबारा वाई वाई टाइप किया तो आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। एक बार वाई लिखना है, 10 बार वाई नहीं लिखना है। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर मैंने दोबारा देखा अनावश्यक आपको वाई वाई लिखते तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो दो से कैसे कौन सी संख्या डिविजिबल होती है आपने जान लिया, तीन से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि चार से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है। तो ध्यान से देखिएगा, चार से विभाज्यता का क्या नियम कहता है, यानी कोई भी संख्या हो, तीन अंक की हो या तीन से अधिक अंक के, जैसे यहाँ पे तीन अंक का संख्या है, तीन अंक से ज्यादा का है, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, या तो तीन अंक का हो या तीन से बड़ा हो, यानी तीन अंक से बड़ा, चार अंक का हो, पांच अंक का, छह अंक का, दस, कितने भी अंक का हो, तो यदि कोई संख्या चार से अगर डिविजिबल है ना, तो उसके अंतिम का सिर्फ दो अंक, अंतिम का सिर्फ दो अंक चेक करेंगे, यानी कि ये इकाई और ये दहाई। मैं रेड से दिखाता हूं, इसे इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई पढ़ते हैं, इसे इकाई और इसे दहाई, इसमें इकाई और ये दहाई, ये इकाई और ये दहाई, ये इकाई और ये दहाई। तो अगर चार से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना है ना, तो अंतिम का सिर्फ दो अंक हम लोग चेक कर लेंगे, अगर ये डिविजिबल है चार से तो वो पूरी अंक जो होगा, संख्या जो होगा, चार से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर हमें चेक करना है कि 112 चार से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम अंतिम का सिर्फ दो अंक देखेंगे, यानी 12 चेक करेंगे कि चार से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको पता है चार तीन 12, यानी कि ये चार से डिविजिबल है। इसी प्रकार इसमें क्या है, चार है, और चार जो है चार से डिविजिबल है। आपका चेहरा दिखाई दे रहा सर, प्लीज अपना चेहरा दिखा दीजिए। मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है। आगे से अगर फिर किसी ने माइक ऑन किया तो ऐसी तरह क्लास से बाहर कर दूंगा। जो भी बच्चा अगर माइक ऑन करेगा मैं इसी तरह क्लास से बाहर कर दूंगा। आपको जो कुछ बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए, माइक ऑन करिएगा, क्लास से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि यहाँ पे 12 था जो कि अंतिम दो अंक था जो कि चार से डिविजिबल था, यहाँ पे 04 था जो कि चार से डिविजिबल है, यहाँ पे 24 है और 24 जो है क्या है, चार से डिविजिबल है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 16 है, और 16 जो है चार से डिविजिबल है तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे 20 है और 20 जो है चार पांच से 20 होता है तो ये भी हो जाएगा। यानी कि रूल क्या कहता है चार से विभाज्यता का, कि तीन या तीन से अधिक अंकों की एक संख्या हो वो चार से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम के दो अंक, आपको याद क्या रखना है, अंतिम के दो अंक अगर चार से विभाजित है तो वो पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख दूं 5040, अब आपको ये चेक करना है कि चार से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम सिर्फ अंतिम के दो अंक को चेक करेंगे, यानी 40 को चेक करेंगे कि 40 चार से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चार दहिया 40, तो चार से अगर ये डिविजिबल है ना, तो ये पूरा अंक जो है 5040 ये भी पूरा चार से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां तक क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो चार से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का दो अंक, यानी 112 का सिर्फ 12 चेक करेंगे, 4004 का 4 चेक करेंगे, 2024 का 24 चेक करेंगे, 5016 का 16 चेक करेंगे और 69320 का सिर्फ 20 चेक करेंगे। तो अंतिम दो अंक जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये सब अंतिम दो अंक जो है चार से विभाजित है, यानी कि दी गई सभी संख्याएं जो है चार से विभाजित होंगी। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक संख्या लिखा हूं 832, आपको चेक करके बताना है कि ये चार से डिविजिबल है या नहीं है। अगर चार से डिविजिबल है तो चार लिखिए, अगर नहीं है तो एन लिखिए, अगर नहीं है तो एन लिखिए। चार से डिविजिबल है तो चार लिखिए, अगर नहीं है तो एन लिखिए। 832 अगर चार से डिविजिबल है तो चार लिखिए, अगर नहीं है तो एन लिखिए। देखिए संदीप नाम से जो भी बच्चा है आपने एन लिखा है, आपको अंतिम दो अंक देखिए चेक करना है 32,
और 8 चौका 32 होता है, यानी 4 का पहरा 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये तो है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। अभी अभी तो मैंने सिखाया अंतिम का दो अंक क्या है, 32 है, और आप सभी को पा रहा है 4 का पहरा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा, तो हो गया ना। और किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? चलिए, नहीं डाउट है तो एक क्वेश्चन का और। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से माइक ऑन किए, आइंदा अगर माइक ऑन किए तो फिर आपको बाहर करेंगे। मैंने कह रखा है कि किसी भी बच्चे को, योगेंद्र नाम से जो भी बच्चा है, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन करते ही मैं बाहर कर दूंगा। सनी नाम से जो बच्चे हैं, माइक ऑन नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन देखिएगा, बताना है आपको कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो। आपका ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ, आपको बताना है 556, 832, 441, 940, 1056, 520। समय मिलता है आपको पूरे 2 मिनट का, आप चेक कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। समय है 2 मिनट का। आंसर कैसे करना है, तो अपना नाम लिखना है और कौन कौन सा सही है उसको लिखना है, ठीक है? तो पहले अपना नाम लिखेंगे और फिर जो सही है उसको लिखेंगे। डीपी नाम से जो बच्चा है, उन्होंने केवल बी को बताया है, एकदम गलत जवाब है, केवल बी नहीं होगा, एकदम गलत जवाब है। इसलिए कहते हैं ना, जल्दी क्या है, आराम से करिए ना, सबको चेक कीजिए ना। वंश नाम से जो बच्चा है, इन्होंने बताया ए बी डी ई एफ, इन्होंने सबको मार दिया है। प्रिया नाम से जो बच्चे हैं, उन्होंने बताया है बी डी एफ, अभी चेक करेंगे। दीपिका ने बताया है केवल 520 थोड़े होगा, गलत जवाब। एक बार में आपको सबको बताना है, ठीक है? इन 5 विकल्प में से 6 विकल्प में से कौन कौन है। मोहित ने ए और ई को बताया है, सभी को चेक कीजिए ना। अंजलि ने बताया है, नितिन बताए हैं, जतिन ने बताया है, पारस ने बताया है, ठीक है, तनु भी बताए हैं, अजय ने बताया, रेणुका ने बताया, बहुत अच्छा, अंशु ने भी बताया ए डी एफ, ठीक है, देव ने बताया ए और ई, बहुत अच्छा। ज्योति ने बताया बी और एफ, संजू ने बताया डी ई एफ, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम का 2 अंक चेक करने के लिए 56, तो 56 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 56 जो है 4 के पहाड़ा में आता है। कैसे आता है, तो देखिए यहां से आप काट के देखिए 4 से, तो 4 एकम 4 हो गया, यहां बचा 1 और यहां 4 चौका 16, यानी 4 का पहरा अगर 14 बार पढ़ेंगे, यानी 14 14 कितना होता है, 14 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 56 होगा। यानी 56 जो है 4 से डिविजिबल है, यानी 556 भी 4 से डिविजिबल होगा, तो ये तो होगा। अब 832, तो 32 को चेक करेंगे, तो 32 8 चौका 32 होता है, यानी कि बी भी होगा। इसमें क्या करेंगे, 41 को चेक करेंगे, तो 4 दहियां 40 होता है, ना कि 41 होता है, यानी कि ये नहीं होगा। 4 दहियां 40 होता है, यानी कि ये डी वाला होगा। यहाँ 56 को पहले ही चेक कर लिए, यानी कि ये भी होगा। और 20 तो 500 का 20 होता ही है, यानी सिर्फ एक सी नहीं होगा, बाकी सभी जो होंगे वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। कितने बच्चों को समझ में आया, जिनको समझ में आया वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप करेंगे। आप लोग जल्दबाजी में, ज्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया था, ठीक है? किस चीज का जल्दी रहता है आप लोग को, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आराम से क्लास करना है ना, आप लोग जल्दी जल्दी गलत आंसर करते हैं, बताइए कितना आसान था। किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछिए।
सर मैं ना थोड़ी देर के लिए सर मेरी क्लास म्यूट हो गई थी इसलिए मैं देख नहीं पाया था, इसलिए गलत हो गया सर। सर वैसे अब समझ में आ गया सर पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, और किसी बच्चे को दिक्कत है? सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए, सुनिए दोबारा से सुनिए। मैंने कहा कि कोई संख्या चार से डिविजिबल कब होगी, तो उसका रूल मैंने बताया कि अगर कोई संख्या चार से डिविजिबल है कि नहीं अगर चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो संख्या जो है, जैसे हमें ये चेक करना है ए बी सी डी ई एफ, ये चार से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे अंतिम का दो अंक चेक करेंगे, 56 को चेक करेंगे चार से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। तो चार एकम चार, ठीक है, ऊपर से घटेगा तो एक आएगा और ये 16, तो चार चौका 16, यानी कि ये संख्या जो है 56 चार से पूर्णता कट जा रहा है, तो 56 अगर चार से कट गया तो ये 556 भी पूर्णता कट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम का सिर्फ दो अंक चेक करते हैं, अगर दो अंक कट गया तो पूरा ही कट जाता है, तो 556 में 56 को चेक किया तो वो चार से कट जा रहा है तो ये तो आंसर होगा। अब 832 में फिर से 32 को चेक करेंगे तो ये तो हमें पता है कि 8 चौका 32, यानी 4 का पहरा 8 बार पड़ेंगे तो 32 आएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो बी भी तो आंसर होगा ही होगा। अब 41 को चेक करेंगे तो 4 दहिया 40 होता है ना कि 41, यानी कि ये 4 से नहीं कटेगा तो 441 भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार डी को चेक करते हैं तो 40 है और 4 दहिया 40 होता है, यानी 4 से 40 कट जाएगा तो ये भी आंसर होगा। 56 को हम पहले ही चेक कर चुके हैं ऑप्शन ए में कि 56 चार से कटता है, यानी 1056 भी चार से कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें 20 को चेक करेंगे, 5 चौका 20, अगर 20 कट गया तो 520 भी चार से कट जाएगा, यानी कि सी को छोड़ के बाकी ए बी डी ई एफ ये पांचों विकल्प जो है चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। क्या अब सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर अब सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ये चार से रूल था। अब देखिए पांच से कोई संख्या कब विभाजित होती है, तो पांच वाला सबसे आसान है, यानी किसी भी संख्या के अंत में जीरो दिख जाए या पांच दिख जाए, यानी किसी भी संख्या के अंत में जीरो दिख जाए या पांच दिख जाए, क्या क्या दिख जाए, जीरो और पांच दिख जाए। सनी नाम से जो बच्चा है मैं आपको बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, सनी नाम से जो बच्चे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, सनी नाम से जो बच्चे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप बार बार जो है अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप क्लास से बाहर हो गए। अगर अब किसी ने ऐसे ही सनी जैसा कोई अनावश्यक कमेंट किया उनको भी बाहर करूंगा। ठीक है, तो क्या किए हम लोगों ने, तो पांच से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो हो या पांच हो, यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि जीरो और पांच दोनों हो, कोई एक भी दिख जाए, जैसे मैं यहां लिख दूं 1050 तो ये संख्या पांच से डिविजिबल होगा, होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, मैं यहाँ लिख दूं कितना लिख दूं 50 लिख दूं तो ये भी होगा क्योंकि जीरो है, अब यहाँ पे मैं 55 लिख दूं ये पांच से होगा, होगा क्योंकि पांच है, अगर मैं यहाँ पे 1055 लिख दूं तो क्या ये पांच से डिविजिबल होगा क्योंकि होगा पांच, यानी किसी भी संख्या के अंत में हम केवल चेक करेंगे कि जीरो है कि पांच है, अगर जीरो है तब भी पांच से कटेगा, पांच है तब भी पांच से कटेगा, इसके अलावा यानी जीरो और पांच के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या पांच से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 15 है तो पांच से डिविजिबल है, 90 है जीरो है तो पांच से डिविजिबल है, 105 है पांच है तो डिविजिबल है पांच से, 1235 है पांच है तो पांच से डिविजिबल है, यहाँ पे देखिए 458,250 है लेकिन इसमें का जीरो है लास्ट में तो जीरो पांच से डिविजिबल है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 1080 दे दिया तो ये पांच से डिविजिबल होगा, अगर होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए जल्दी से, 1080 जो है पांच से डिविजिबल है कि नहीं है, तो वाई, नहीं है तो एन, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। हाँ तो सभी बच्चों को समझ में आ गया क्योंकि जीरो है तो पांच, जीरो है तो वाई होगा ही क्योंकि पांच से डिविजिबल होगा। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1085, 1085 पांच से डिविजिबल है तो है, क्यों है, क्योंकि पांच है, तो हमने तो पहले ही बता रखा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो आए या पांच आए तो वो संख्या पूर्णतः पांच से विभाजित। समझा दो, क्या क्या समझा दो, क्या समझा दो, एक बार से समझा दो सर।
नहीं आवाज समझ में नहीं आया, फिर से बोलो आप क्या कह रहे हो। सर यही दोबारा से समझा दो। अभी तो समझा ही रहा हूं, अभी पूरा समझाया कहां, ध्यान से सुनिए आप। मैंने कहा कि अगर किसी भी संख्या को हमें चेक करना है कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो कैसे चेक करेंगे, तो उस संख्या के अंत में देखेंगे कि अगर जीरो होगा उस संख्या, जैसे यहाँ पे क्या है, जीरो है तो ये 5 से विभाजित है, यहाँ पे क्या है 5 है तो ये भी 5 से विभाजित है, यहाँ पे क्या है जीरो है ये भी 5 से विभाजित है, यहाँ पे क्या है 5 है यहाँ पे 5 है। तो अगर किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक क्या हो, जीरो हो या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या अभी आपको समझ में आया, कोई भी संख्या हो अगर उसका अंतिम अंक जीरो होगा या 5 होगा, यानी कोई दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो वो 5 से विभाजित होगा। क्या अभी समझ में आया, जिन्होंने पूछा था फिर से बताने के लिए, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी बच्चे सर? ठीक है, चलिए तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें से बताना है, चार ऑप्शन है, 2 से कौन संख्या विभाजित होगी, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अभी अभी आपने पढ़ा था 2 से विभाज्यता का नियम, एक बच्चे ने सही किया, 2 बच्चों ने गलत किया, क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिए। अभी अभी 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 2 हो 4 हो 0 हो 6 हो 8 हो, अगर ये भी जिस संख्या के अंत में होगा वो 2 से विभाजित होता है, इतना चेक करने नहीं आ रहा है आपको, बताइए। चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, चैट सेक्शन में ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। और 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है, अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, 4 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे वो 3 बच्चे, लास्ट के 15 सेकेंड, 3 बच्चे जो आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे, वो 3 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 10 सेकेंड और 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं, जल्दी से आंसर करिए, लास्ट के 10 सेकेंड में, पोल एंड कर दूंगा 10 सेकेंड के बाद, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 3, 2, 1, वो 2 बच्चे जो आंसर नहीं किए हैं ना, आप अगर आंसर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, चलिए मैं पोल को एंड कर दिया। अब देखिए इसको समझते हैं, मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होता है, तो इसमें तो 1 है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 है तो नहीं होगा, तो मैंने बताया था ना जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सभी संख्याएं जो होती हैं 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या करेंगे सबको जोर जोर के चेक करेंगे, 2 मिनट का समय है, आराम से करेंगे सभी बच्चे, 2 मिनट का समय है, सबको जोर जोर के चेक करेंगे, ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सभी बच्चे, जोर के चेक करेंगे, इसमें एक ही ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित होगा, बाकी की कोई भी नहीं होगा, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ही गलत है, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ही गलत है,
इसीलिए कहते हैं जल्दी से आंसर मत कीजिए। सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर किया, छह बच्चों ने गलत आंसर किया, मतलब कितनी जल्दी है आप लोगों को, गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। तीन बच्चों ने सही किया है, बाकी छह बच्चों ने गलत किया है, सात बच्चों ने गलत कर दिया, सिर्फ तीन बच्चे सही किए हैं। बताइए आप लोग गलत करे जा रहे हैं, जबकि दो मिनट का समय, आराम से करिए ना, क्या जल्दी है। तीन वाला इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराया कि तीन से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानते हैं, तो उन सभी संख्याओं को जोड़ को चेक करेंगे। सिर्फ पांच बच्चों ने इसका सही आंसर किया है, और गलत पता है इसका कितना आंसर किए हैं, इसके गलत किए हैं इसको गलत किए हैं नौ बच्चों ने, और दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10 बच्चों ने गलत आंसर किया है, सिर्फ सात बच्चों ने सही किया है। चलिए समझते हैं क्या पढ़ेंगे आप लोग, इतना छोटा क्वेश्चन केवल जल्दी जल्दी करके गलत कर दिया आप लोग। इसको चेक करना तीन से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, 6+3+9+2+3 ऐसे ही चेक करते हैं, कितना होगा, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 20, 3 कितना हो गया 23। और 23 तीन से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 23 तीन से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीन के टेबल में 24 आता है ना कि 23 आता है, तो ये तीन से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको जोड़ के चेक करते हैं, 7+2+6+7+1 कितना होगा, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 1, 23 क्या ये डिविजिबल होगा तीन से, नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, 1+0+5+3+4 1 और 5 कितना हो गया, 6 और 3, 9 कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 तीन से डिविजिबल है, नहीं है। अब केवल बचा अंतिम विकल्प, 4+3+6+0+5 चेक कीजिए, 4, 3, 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13 और 13, 5 कितना हो गया, 18, और 18 जो है तीन से डिविजिबल हो जाएगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी, 10 बच्चों ने गलत आंसर किया था, केवल जल्दी जल्दी, इतना आसान है फिर भी 10 बच्चों ने गलत आंसर किया था। बार बार कहता हूं कि धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है, हमें जल्दी आंसर करना है, जल्दी जल्दी में गलत आंसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा, पोल सेक्शन में कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए, आराम से कीजिएगा, अंतिम का दो अंकों को चेक कीजिए कि चार से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर चार से अंतिम दो अंक डिविजिबल होगा तो वह संख्या पूर्णतः चार से डिविजिबल हो जाएगा, अंतिम के दो अंक चेक करना रहता है चार के लिए, चेक कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 30 सेकंड है, सिर्फ अंतिम के दो अंकों को देखना है कि चार से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, सिर्फ अंतिम के दो अंकों को चेक करना है। अभी भी बताया था कि अंतिम के दो अंकों को चेक करेंगे, सिर्फ दो अंकों को, सिर्फ दो अंकों को, अगर ये दो अंक वाले अगर डिविजिबल हो गए चार से तो पूरा संख्या चार से हो जाएगा, चेक करिए। ट्वेंटी सेकेंड और, 10 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, 6 बच्चे अभी और हैं जो आंसर नहीं किए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, सिर्फ दो बच्चों ने गलत आंसर किया है,
वो भी जल्दी की वजह से गलत आंसर किया है, सिर्फ दो बच्चों ने। अभी तीन बच्चे ऐसे हैं जो आंसर सही नहीं आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, टेन नाइन एट सेवन, चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। देखिए समझिएगा कैसे करेंगे, यहां पे अंतिम के दो अंक को चेक करना है, 64 चार से डिविजिबल है कि नहीं है, तो चार से भाग करके देख लेंगे, चार एकम चार, यहां बचेगा दो, ऊपर से आएगा चार, छह चौका 24, यानी कि ये 16 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया, 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये जो हो गया चार से डिविजिबल हो गया। अब नीचे वाला भी चेक कीजिए, 124 और 50, तो सॉरी इसमें का क्या चेक करेंगे हम लोग, सिर्फ 50 को चेक करेंगे कि 50 है कि नहीं है। तो चार से भाग देके देखिए, चार एकम चार, यहाँ बचा दो, तो चार दो नहीं आठ, यहाँ पे दो शेष बच गया, यानी कि ये चार से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसी तरह इसका 82 चेक करके देखिए, चार से चार दो ना आठ, कट गया, ऊपर से आएगा दो, तो दो शेष बच गया यहाँ पे फिर से। इसी प्रकार 23 देखिए, तो आता ही नहीं है क्योंकि 24 आता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल अंतिम दो अंक चेक करके हमने बता दिया। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर एक बार वाई टाइप कीजिए, तो जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। गलती मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आपको देखना है 5 से कौन सी संख्या विभाजित है, अंतिम के अंकों को चेक कीजिए। बहुत अच्छा, जो बच्चों ने आंसर किया एकदम सही, तीन बच्चों ने किया एकदम सही, चार बच्चों ने एकदम सही, बहुत अच्छा, पांच बच्चों ने एकदम सही, सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर। एक बच्चे ने गलत कर दिया, बताइए ये गलत करने लायक खुद प्रश्न है। चलिए और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड है, और 20 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। 10 सेकेंड, चलिए 10 9, चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। देखिए मैंने क्या बताया था, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाजित होता है। इसमें 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, इसमें 0 है तो ये 5 से विभाजित है, इसमें 0 नहीं है 5 नहीं है तो ये नहीं होगा, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो ये नहीं होगा। केवल यहाँ पे चेक करना है, 0 होगा तो 5 से विभाजित है, 5 होगा तब भी 5 से विभाजित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आपको एक मैंने चैट सेक्शन में कुछ चीजें लिखी गई है, आप देखिएगा ये चैट सेक्शन में मैंने 4 लोगों का SRN नंबर डाला है, ध्यान से देखेंगे चैट सेक्शन में मैंने 4 लोगों का SRN नंबर डाला है, और वो जिनका भी SRN नंबर है वो गलत है। यानी जिस भी बच्चे ने इस SRN नंबर से क्लास को ज्वाइन किया है आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। मैंने चैट सेक्शन में 4 बच्चों का SRN नंबर लिखा हूं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1508271827, जिस बच्चे ने इस SRN नंबर से डाला है उनका गलत है। आप अपने स्कूल के टीचर से या व्हाट्सएप ग्रुप से पता कीजिए कि ये आपका सही SRN नंबर क्या है, ये जो आपने डाला है गलत है। एक और SRN नंबर है जिस बच्चे ने इससे ज्वाइन किया है, आप अपने टीचर से या व्हाट्सएप ग्रुप से चेक करेंगे, ये गलत SRN नंबर है। एक और बच्चे ने गलत डाला है 1500884904, ये भी गलत SRN नंबर, जिस बच्चे ने डाला है चेक कीजिएगा अपने टीचर से या व्हाट्सएप में, अगली बार आपको सही SRN नंबर से क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, ये भी गलत SRN नंबर है। तो ये 4 SRN नंबर से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है उनका गलत है SRN नंबर। तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा आपका सही SRN नंबर क्या है, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा कि सही SRN नंबर क्या है, ये गलत SRN नंबर से आपने क्लास ज्वाइन किया है। जब कोई बच्चा गलत SRN नंबर से क्लास ज्वाइन करता है तो उसका अटेंडेंस नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी पूछना है आज के क्लास में, डाउट है तो पूछ लीजिए।